ये yes, अलकुम आज हम इस वीडियो में इंग्लिश कोड 504 का लेसन 33 पढ़ने जा रहे हैं जो कि है द फैसिलिटेशन ऑफ़ द फर्स्ट लैंग्वेज इन एंड इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग मतलब जो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है वो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में आपको किस तरह से फैसिलिटेट करती है ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं आई थिंक इट वॉज़ लेसन ट्वेंटी नाइन थर्टी के एज ए फैसिलिटेटिव रोल ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना आए तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा उससे आपको समझ आ जाएगी तो चलें स्टार्ट करते हैं ऑल लैंग्वेजेस हैव मच इन कॉमन एंड मैनी शेयरड मीनिंग्स विच कैन बी एक्सप्लाटेड बहुत सारी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है जो कि मीनिंग्स को शेयर करते हैं ठीक है जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं लैंग्वेज एक्विजीशन फेसिलिटेट्स लर्निंग बाई एक्सप्लाइटिंग दिस कामन ले कॉमेलिटी एंड हाईलाइट डाइवर्जेंस द बेसिक डिफरेंस दैट मार्क्स सेकेंड लैंग्वेज लर्नर फ्राम नेटिव स्पीकर इज एनालिटिकल कॉम्पिटेंस ये एम सी क्यूज बन सकता था इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया गया लैंग्वेज एक्विजिशन एम्स टू इवॉक एनालिटिकल इन्साइट इन टू द लर्नर एंड ब्रिज द स्पेस बिटवीन फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज अब लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है कि जब आप एनालिटिकल इंसाइट करते हैं जब उनको एनालिसिस करते हैं तो फिर क्या होता है कि एक इन टू द लर्नर एंड द ब्रिज मतलब फिर क्या होता है कि एक ब्रिज बन जाता है फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज के दरम्यान में बहुत लैंग्वेज वर्क टू स्ट्रैंगर both, dono languages, each other support, enabling the learners to discern the pattern in second language and de develop expectations for its structures. In this process, language acquisition draws upon the learner's sensitivity towards first language to develop second language. and brings realization that the level of operating both language is same, that is form and function. This paves way for a more meaningful learning. Language acquisition works in five domains. मतलब अगर हमने फ़र्स्ट लैंग्वेज को लर्न किया गया है हम जानते हैं फ़र्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर किया हुआ है तो फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में हमें नॉलेज भी है और फिर हम ये देखते हैं कि जो लर्नर है उसकी सेंसिटिविटी फ़र्स्ट लैंग्वेज के बारे में कितनी है फिर उसी हिसाब से जब वो सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करता है तो उसकी परफॉर्मेंस को उसी हिसाब से देखा जाता है कि वो किस तरह से उसको डेवलप कर रहा है ठीक है तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वर्ग्स इन फाइव डोमेन्स पांच डोमेन में काम करती है ठीक है एमसीक्यूज भी बन सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है अब वो पांच डोमेन्स कौन सी है सबसे पहले तो इफेक्टिव डोमेन है इन्वॉल्व द होल पर्सन ऑफ लर्नर्स बाय इंकरेजिंग देम टू डेवलप पर्सनल रेलिवेंस टू द सेकेंड लैंग्वेज एंड अ इंपॉर्टेंस टू देयर फीलिंग्स एंड एटीट्यूड ये आप पर्सनल कह सकते हैं कि मतलब जो भी बंदा है या जो भी लर्नर है जब वो सीख रहा है तो उसको ये बताया जाए कि एक लैंग्वेज तो एक बार उसने की हुई है पहले फिर उसको ये बताया जाए कि उसको किस तरह से आपने सेकंड लैंग्वेज के साथ रेलिवेंट बनाना है ठीक है फिर उन्हें असाइस इंपॉर्टेंस टू देयर फीलिंग्स एंड एटीट्यूड फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा उर्दू स्पीकर है और वो इंग्लिश सीख रहा है तो फिर उसको ये बताया जाए कि आप अपने थॉट्स को अपनी फीलिंग्स को किस तरह से आप सेकेंड लैंग्वेज के साथ आपने इंट्रैक्ट uh, करवाना है किस तरह से उनको उसके साथ uh, आपने uh, रेलीवेंट बनाना है रिलेट करना है सोशल डोमेन फॉस्टर्स टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एथनिक डाइवर्सटी एंड अवेयरनेस ऑफ़ दिजन्स एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ देअ ओन लैंग्वेज डायलैक्ट्स एंड इट्स प्लेस अमंग अदर लैंग्वेज फिर जब सोशल डोमेन आती है तो फिर आपको एक टॉलरेंस दी जाती है आपको एक बर्दाश्त दी जाती है कि आप किस तरह से किसी सोसाइटी के अंदर रहते हुए जो दूसरे लोग हैं उनकी जो डाइवर्सिटी होती है जो डिफरेंट वराइटीज़ होती हैं उन चीज़ों को समझें एक्सेप्ट करें ठीक है आपके अंदर एक लचक पैदा की जाती है ठीक है करैक्टरिस्टिक्स एंड द ओरिजिन एंड द करेक्टर्स ऑफ देअर ओन लैंग्वेज डायलैक्ट्स एंड इट्स प्लेस अमंग अदर लैंग्वेज फिर आप अपनी लैंग्वेज को देखिए उनकी लैंग्वेज को देखें दोनों के डिफ्रेंस देखें ओरिजन्स देखें एक दूसरे को आप सोशली सोशल social, एक सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं पावर डू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द वे लैंग्वेज कैन बी यूज टू इम्प्लाई मीनिंग्स पावर डोमेन आप फिर ये देखते हैं कि आप लैंग्वेज को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं मीनिंग्स को इम्प्लाई करवाने के लिए ठीक है कागनेटिव डोमेन्स हेल्प्स एनालाइजिंग द लैंग्वेज ड्राइंग इन्फ्रेंस एंड कैटेगराइजिंग न्यू नॉलेज अब जो कागनेटिव डोमेन है वो आपको हेल्प करती है किस में language को एनालाइज करने के लिए ठीक है फिर आपकी डिफरेंट जो इंफ्रुनस होती हैं मतलब जो आपको डिफरेंट सेंटेंसेस बताए जाते हैं कोई किसी शख्स ने कोई बात कह दी तो उसको परसीव करने के लिए उसको इन्फर करने इन्फर करने के लिए मतलब मीनिंग्स बिटवीन द लाइंस निकालने के लिए कि उसने क्या बात कही सेंटेंस बहुत लंबा सारा बोला लेकिन मीनिंग थोड़ा सा होता है ठीक है ये बहुत छोटी सी बात की और बहुत सारा उसका मीनिंग्स होते हैं तो इन चीज़ों को इन्फर करने के लिए यहाँ की कोगनेटिव डोमेन होती है परफॉर्मेंस डोमेन रेजेज़ कॉन्शियसनेस ऑफ लर्नर्स टूअर्ड्स बेटर परफॉर्मेंस ये आपके आपको एक शौरी बेदारी मिलती है इस चीज़ में जिसकी वजह से आप क्या करते हैं आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर से बेटर करने की कोशिश करते हैं तो नथिंग वाज मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस वन पेज लेसन तो ये जो फाइव डोमेन्स हैं यही इम्पॉर्टेंट है इसको ज़रूर कीजिएगा या फिर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज लैंग्वेज एक्विजिशन है उसका क्या रोल है सेकेंड लैंग्वेज लर्न करने में तो ये जो फ़ाइव डोमेन्स हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बहुत आसान है पहली पर्सनल है फिर आप सोशल में आ जाते हैं फिर ये जो बाकी वाली तीनों ये तो मतलब प्रोसेस ही हैं समझ लें तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग